पीपार शहर में सीएलजी सदस्य की एक मीटिंग रखी गई। पीपार शहर से बाबूलाल माली की रिपोर्ट। आज पुलिस थाना परिसर, एसडीएम दूधाराम हुड्डा, तहसीलदार, थानाधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, अक्षय राजपुरोहित, बिजली विभाग से जेईएन, एसडीएम दूधाराम हुड्डा की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की मीटिंग रखी गई, जिसमें साफ सफाई को लेकर और बाजार में लगे दुकानों के आगे छाया हेतु पर्दे, लाइटों की तार जो नीचे उनको ऊपर करें और शांतिपूर्वक सद्भावना से त्यौहार मनाने का आश्वासन दिया। पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह कच्छावा ने कहा कि हमेशा की तरह मुहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण मनाया, शहर में भाईचारा बना रहे। युवा नेता सुरेंद्र टाक ने कहा कि त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए इसमें किसी भी समाज का कोई भी असामाजिक काम, नारेबाजी जैसे कैसा भी गलत काम हो उसे प्रशासन नहीं बख्शे, अपनी कानूनी कार्रवाई करे। कार्यक्रम में प्रतिनिधि सोहनलाल सांखला ने कहा कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा साफ सफाई का कार्य पिछले चार दिनों से चल रहा है। इस कार्यक्रम में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रभाकर तक, पूर्व पालिका अध्यक्ष महेंद्र सिंह कच्छावा, रघुनाथ रामटक, पूर्व पार्षद अब्दुल वहीद, पूर्व पार्षद सत्यनारायण मालानी, मनोहर लाल सोनेल, हनुमान प्रसाद, अब्दुल कुरेशी, मुजफ्फर खलीफा, अली हसन कुरेशी, सप्तराज जी नगर, मोहम्मद शरीफ छीपा और भी नागरिक उपस्थित थे।